बैठने सोने की आला सहूलियात, खाने पीने का उम्दा इंतजाम, टीवी वाईफाई साउंड सिस्टम भी मौजूद। मुल्क की पहली वीवीआईपी ट्रेन नॉनस्टॉप जिन्ना एक्सप्रेस लाहौर से कराची रवाना। ट्रेन 262 मुसाफिर सवार, 15 घंटों में कराची पहुंचेगी। वज़ीर आज़म ने कल ट्रेन का इफ्तिताह किया था। शहर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ। बादामी बाग पुलिस ने 16 साल तालिबे इल्म को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में लिया और फिर मकामी फैक्ट्री में बनाए गए टॉर्चर सेल में कैद किया। लवाहिकीन का अहले इलाका से मिलकर बादामी बाग थाने के बाहर शदीद एहतजाज। निजी टॉर्चर सेल का पता चला तो मुजाहरीन ने कर दी यलगार। पुलिस एहलकार की ठुकाई कर दी और हथकड़ियों में जकड़े तालिबे इल्म हसन को बाजियाब करा लिया। सीसीपीओ का नोटिस, एसएसपी ऑपरेशंस को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत। अयादत भी साथ, सियासी मुलाकात भी साथ। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी जातीमरा पहुंच गए। नवाज शरीफ के साथ मिलकर बैठेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर से रहौर। मुल्क को लूटने वालों को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म और पार्टी करप्शन के खिलाफ अपने मौकिफ पर कायम है। तनख्वाहों में इजाफे का बिल गलत तौर पर पेश किया गया, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया। मशीर वज़ीर आज़म नए मुल्हक की मीडिया से गुफ्तगू। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत गजुमता इंटरचेंज पर चेयरमैन पीएचए यासर गिलानी के हमरा पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम में प्राइवेट सेक्टर को भरपूर मदद फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला अपने तर्जुमान पर मेहरबान, शहबाज गिल को तमाम सूबाई महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला की ख्वाहिश पर सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आईजी, आरपीओस और डीपीओस को मुरासला जारी। सरदार उस्मान बज़दार पंजाब के कप्तान, जो जिम्मेदारी लगाएंगे पूरी करूँगा, शहबाज गिल का ट्वीट। बल्दियाती इदारों की सुनी गई, लाहौर समेत पंजाब भर के बल्दियाती इदारों को 2 अरब 73 करोड़ के फंड्स जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को 16 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा। सूबाई मालियाती कमीशन के तहत मार्च के गैर तरक्याती फंड्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 22 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 1 अरब 12 करोड़ रुपए का हिस्सा मिला। गैर तरक्याती फंड्स में तनख्वाहें और दीगर अखराजात शामिल। असातिज़ा के धरने का एक और रोज, सुबह से शाम होने को हुकूमत ने लिफ्ट करवानी, ना ही असातिज़ा की हुई कोई सुनवाई। कौम के मामार छुटे रोज भी सरापा एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी तक टस्ट से मस्त नहीं होंगे, असातिज़ा का ऐलान। 11 रुपये अगर बढ़ रहे हैं तो गरीब के ऊपर तो असर आएगा, लेकिन तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना बेहतरी के लिए। मुझे लग रहा है ये तब्दीली जो है ना, ये अवाम के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया। अब ये तब्दीली अवाम को मारने के लिए आई है। पेट्रोल की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे ज़्यादा कम होनी चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से तकरीबन हर मार्केट की चीज़ महंगी हो जाती है, मगर एकदम से 10-12 रुपये का फ़र्क जो है ना, ये बम जैसा ही है। पेट्रोल बम, महंगाई के मारे आवाम तब्दीली सरकार से तंग। पेट्रोल मसनूआत कीमतें 12 रुपए बढ़ने का इम्कान। हुकूमत सिर्फ महंगाई खत्म करने का ही कर रही है ऐलान। आवाम की शदीद तनकीद, महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। कल नई ट्रेन का हुआ इफ्तिताह, वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे ने की मुसाफिरों को सहूलत देने की बात, लेकिन एक रोज बाद ही किराए में इजाफा। 15 अप्रैल से ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए ज्यादा। लाहौर से कराची का किराया 5700 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए होगा। बच्चों का किराया 4100 रुपए से बढ़कर 5700 रुपए होगा। रेट लिस्टें दिखावे की, मनमाने रेट्स। सब्जी मंडियां हो या मॉडल बाजार, महंगाई की है हर तरफ यलकार। 13 रुपए वाला आलू 25 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। टमाटर की सरकारी कीमत 52 रुपए फी किलो, दुकानदार 60 रुपए फरोख्त कर रहे हैं। अदरक लहसुन प्याज समेत मौसमी और गैर मौसमी सब्जियों के फी किलो 5 से 10 रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए, कीमत में मजीद 3 रुपए का इजाफा। फी किलो कीमत 232।
पांचवी और आठवीं जमात के नतीजे का ऐलान। पांचवी के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88% और आठवीं का 87% रहा। लाहौर का कोई तालिब इल्म टॉप 3 पोजीशंस में भी ना आ सका। लिया की तूबा मरियम और ओकाड़ा के मोहम्मद हमजा की पांचवी जमात में पहली पोजीशन। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद शर्जील और विहाड़ी की शहवार अनु की आठवीं जमात में अव्वल पोजीशन। सुई नॉर्दर्न गैस की डोमेस्टिक विजिलेंस टीम की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। शेरावाला, पुराना कहना और मिस्री शाह में गैस चोरी पकड़ ली, 3 कनेक्शन मुनकता, जुर्माने भी किए गए। मौसम बदलते ही मातहत अदालतों के औकात कार भी तब्दील। कल से सूबे भर की मातहत अदालतों में सुबह 8 बजे से 3:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी। जुम्मे के रोज सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। रेलवे पुलिस के 5 एसपी के तकरर तबादले। एसपी रेलवे लाहौर डिवीजन मियां अफनान का सखर तबादला। बाकिर मुहियुद्दीन एसपी वर्कशॉप डिवीजन लाहौर तैनात। शाहिद नवाज को एसपी लाहौर डिवीजन लगा दिया गया। एसपी मियां मोहम्मद अतीक रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ की अहलिया की रस्म चहलम अदा। हाईकोर्ट के जस्टिस मामून रशीद, जस्टिस फारूक इरफान, जस्टिस शाहिद मुबीन, जस्टिस आतिर महमूद और दीगर ने शिरकत की। मरहुमा की मगफरत के लिए दुआ की। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन फलाह इंसानियत में पेश। बागे जिना में 150 मस्तहक बच्चियों की शादी की तकरीब। जहेज का सामान भी दिया गया। तकरीब में चीफ पैट्रन मियां दाऊद अफजल, डिप्टी मेयर मियां तारिक और साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की शिरकत। कौमी हीरोज की तस्वीर, मुल्क की सकाफत के रंग, शहर की दीवारों पर रंगों की बहार। एपीएस स्कूल मॉडल टाउन की दीवार पर पेंटिंग। तालिबे इल्मों ने तस्वीर के जरिए अमन का पैगाम दिया। नीला, पीला, सब्ज, गुलाबी, कुदरत के सब रंग, फूलों की खुशबू भी संग। जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश के शानदार जलवे। चिरागों की रोशनियां मच जल रहा है लगातार। अकीदतमंदों की ढोल की थाप पर धमाल। हजरत माधुलाल हुसैन के उर्स के दूसरे रोज रौनकें अरूज पर।